नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं नया, वो आप यहाँ देखकर हम आपसे कुछ पूछेंगे तो आप हमें वो इस चीज का आंसर देंगे कि क्या लिखा है। ठीक है, ये तो वो चीज है, वो बता रहे हैं हम आपको यहाँ पे, वो जो आपको आता है। ठीक है, तो बताइएगा ये क्या लिखा है, ये क्या है जी? बड़ा की मात्रा, क्या लिखी है? बड़ा की मात्रा। ये क्या है? बिल्कुल सही, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। ये क्या है? बिल्कुल सही, छोटा ऊ की मात्रा। ये बिल्कुल सही, ए की मात्रा। ये ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में क्या होता है? एक लाठी और एक मात्रा। चलिए, मान लिया आपको मात्राएं तो आती हैं, मात्राएं तो आपको आती हैं, तो क्या आपको इससे शब्द बनाना आते हैं? नहीं आते, तो आज हम लोग वही सीखते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? मात्रा से शब्द बनाना। तो यहाँ क्या लिखा है? सही मात्रा चुनकर शब्द बनाओ। तो आपको कोई भी शब्द नहीं बनाना है, आपको सब्जियों के नाम के साथ शब्द बनाना है, वो भी इन मात्राओं को चुनकर। ये मात्राएं जो लिखी हुई हैं, इन मात्राओं से इनको देखना है और इनमें देखना है कि कौन सी मात्रा इनमें से लगाई जानी है। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ये क्या है? आलू। वेरी गुड, आप देख के तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो क्या ये आलू लिखा है? नहीं लिखा है। हम इसको आलू लिखते हैं, बड़ा का डंडा लगाया हमें और ला में बड़ाऊ की मात्रा। ये क्या लिख गया? आलू। ये क्या है? टमाटर। वेरी गुड, आप तो देख के बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्या ये सही लिखा है? नहीं लिखा। टमाटर, मा में बड़ा का डंडा लगना है, टमाटर। अब ये सही लिखा है। अब आ जाइए इस पे, ये क्या है जी? लहसुन। तो ये क्या सही लिखा है? नहीं। ये क्या लिखा है? लहसुन, लहसुन। हम बोलते क्या है? लहसुन। तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा, और हम ये मात्राएं कहाँ से लगा रहे हैं? इसमें से कलेक्ट कर, इसमें से चुनकर हम ये मात्राएं लगा रहे हैं। ये क्या बना है? ये बैगन है। तो बैगन ये सही लिखा है? बिल्कुल नहीं, बगन लिखा है। तो हम इसमें से मात्रा देखेंगे कौन सी लिखनी है, बैगन, यानी कि आय की मात्रा, आय की मात्रा, आय की दो मात्रा और उसके साथ बिंदी, बैगन। अब आ जाइए, ये क्या बना है? वेरी गुड, गोभी। तो गोभी में ये बिल्कुल गलत लिखा है, गोभी में हमको एक ओ की मात्रा लगानी है, ओ की मात्रा होती है एक लाठी एक मात्रा, और एक लगानी है बड़ी की मात्रा। सो ये बन गया गोभी। अब आइए, ये क्या है जी? लौकी। लौकी में क्या होनी है? एक लगनी है आपकी अ की मात्रा और एक लगनी है आपकी बड़ी की मात्रा। तो का में आनी है आपकी बड़ी की मात्रा और ला में आनी है आपकी अ की मात्रा। अ की क्या मात्रा होती है? एक लाठी दो मात्रा, लौ। और का में लगनी है बड़ी की मात्रा, की, लौकी। तो ये आपने आज क्या सीखा? सब्जियों के नाम के साथ मात्रा लगाना और शब्द